अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू व्यूवर्स। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो कंपोजिशन में ही है और वो है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू फॉर्मुलेट एंड हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। टुडे इंशाल्लाह वी लर्न एन स्ट्रक्चर हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। इट इज being observed that the students make mistake while writing a report. My dear, I will just going to explain today the clear concept of format of a report writing. Listen and try to understand and look at here. First, suppose as I have already just given you the format of formal letter as well as an application. Now today I have a format of means report writing, how to write a good report. First of all, in the first top of the page on the right hand you will write date, on the right hand you will write date 5th February, 2020. Look here, date first you will put the date, and the next line on the left hand, the next line on the left hand you will write 2 then colon, 2 ke baad aap colon lagayenge aur phir koi line leave nahi karenge, the same line in front of the 2 you will write to whom you are going to write a report. Jise aap report likhne ja rahe hain uska designation kya hai, उसके डेजिग्नेशन के मुताबिक उसकी पोस्ट लिखी जाएगी, उसका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा, उसकी पोस्ट क्या है, किसे लिखने जा रहे हैं। सपोज द जनरल मैनेजर कॉमा पाकिस्तान रेलवे एबीसी, पाकिस्तान रेलवे एबीसी, इट मींस वी आर गोइंग टू राइट अ पाकिस्तान रेलवे जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर कॉमा पाकिस्तान रेलवे कॉमा देन एबीसी। ABC means कोई भी सिटी हो सकता है वहां पर, इसलिए आप जरूरी नहीं क्या मेंशन करें, इफ यू वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द सिटी यू कैन। नाउ नेक्स्ट लाइन फ्रॉम, फ्रॉम मींस हु इज गोइंग टू राइट, टू होम यू आर गोइंग टू राइट, फ्रॉम मींस हु इज गोइंग टू राइट, कौन है जो ये रिपोर्ट लिख रहा है। सपोज अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी क्या डेजिग्नेशन है, आपकी क्या पोस्ट है, आपका क्या ओहदा है, वो आप मेंशन करेंगे। लुक सपोज हम यहां लिखते हैं एक्स वाई जेड एंड सेक्रेटरी कॉमा रेलवे वर्कर्स अपोस्ट्रोफीज यूनियन, रेलवे वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी की हैसियत से मैं लिख रहा हूं। ठीक, अब लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 ये दोनों इसमें कवर हो गए। अच्छा, आप ये फील कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जब हमने एडिटर को लिखा था तो आपने यहाँ कॉमा लगाया, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने उसकी पोस्ट लिख, पोस्ट के बाद उसकी डेजिग्नेशन के बाद आपने लिखा कि किस न्यूज़पेपर का एडिटर है वो लिखा, कहाँ वो जॉब करता है वो लिखा, उसकी कंपनी या उसका एड्रेस। तो आप देखिए यहाँ आपने पाकिस्तान रेलवे इसी लाइन में लिख दिया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद वही। अब मेरे बच्चे इसमें रिपोर्ट में ये उस बात का ख्याल रखा जाता है कि आप लाइन चेंज ना करें, आप सेम लाइन में लिखते जाए, ठीक है, सेम लाइन में। अब बाज़ोकात ऐसा होता है इसके दो मेथड हैं, आप देखें डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जगह पर कई मेथड है रिपोर्ट राइटिंग के, लेकिन एक जो कॉमन और जो सबसे इम्पोर्टेंट और जेन्युइन है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो देखेंगे। यहाँ भी लिख सकते हैं, इसे आप यू भी ले सकते हैं, पाकिस्तान रेलवे नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन इट इज फार बेटर टू राइट इन अ वन लाइन, पुट अ कॉमा एंड कॉमा। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रॉम कौन लिख रहा है, ठीक है, एंड फिर हम बनाएंगे सब्जेक्ट। अच्छा, आप देखें यहाँ पर सब्जेक्ट में लाइन लीव करना नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, वरना नेसेसरी नहीं है। अब देखिए जो भी आपको स्टेटमेंट, व्हाट एवर द स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, यू विल हैव टू मेक द सब्जेक्ट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। सपोज फैसिलिटीज फॉर
for the traveling public at the railway station, comma ABC. Whatever the railway station, okay? Means the topic is facilities for the traveling public at the railway station ABC. Means they are required facilities. They are required facilities. Means the facilities are not being given. So you are as a reporter, you will have to report what are the facilities they required at the railway station. Whatever the facilities, whether it is the facilities of the waiting room, whether it is the facilities of the porters, whether it is the facilities of the mineral water, the water, or because of the port loading the luggage, whatever the facilities they require at that time, so you'll have to write. But now you're going to start your report. About your report, likhna shuru kare. कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा. पहले सुन लीजिए. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे. इंट्रोडक्शन की जो हेडिंग है ये लिख दें तो अच्छा है, और अगर ना लिखें तो इससे नंबर डिडक्शन के चांसेस नहीं है, नंबर डिडक्शन नहीं होगा. लेकिन क्योंकि आप जो फर्स्ट पैरा लिख रहे हैं वो कहलाता ही इंट्रोडक्टरी पैरा. लेकिन अगर आप लिख दें, हाईलाइट कर दें तो इट इज वेल एंड गुड. अब आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद सामने से बिल्कुल लाइन डीप नहीं करेंगे, इसे सामने से पैरा शुरू कर देंगे. इंट्रोडक्शन में आप ये मेंशन करेंगे कि कौन है आप और किस मौजू पर लिखने जा रहे हैं और क्या लिखने जा रहे हैं, क्या है टॉपिक, किस मौजू पर लिखने जा रहे हैं. देन इंट्रोडक्शन में आप इसमें पैरा वन ठीक है बना सकते हैं. पैरा टू जो होगा वो आपका इंट्रोडक्शन चेंज करेगा. यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं पी ए आर ए पैरा टू. अब पैरा टू जो होगा ना इसमें आप क्या करेंगे, कोई एम ए आई एन मैन टेक्स्ट टी ई एक्स टी मैन टेक्स्ट हो सकता है, मैन रिपोर्ट हो सकती है, आर ए पी ओ स्टार्ट योर रिपोर्ट हो सकती है, और एनी इंफॉर्मेशन मैन टेक्स्ट हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, एंड इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है. अब देखिए ये पैरा टू हो जाएगा, यहाँ हम पैरा थ्री कर देंगे इसे ठीक है. अभी वन बाय वन में आपको इसमें एक्सप्लेन करता चला जाता हूं. लिसन, अब पैरा वन में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक. पैरा टू में अब आप वो उन चीजों का जिक्र करेंगे. मेन टेक्स्ट होगा आपका ठीक है, रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन. Whatever the means problems you faced or whatever the problems you have seen over there, what are the facilities they required and what are not been given to them, and what why they are not been given, and why the government is not paying attention. So you will have to write all the information about in these 2-3 paras. 1-2-3 paras. And number 4, para summary. What is the summary in report? Summary in report, it means whatever you have written, summarize in your words, and main important points you will just focus again. You will focus again. And when you are going to conclude, in conclusion. So conclusion means whatever you have written over there, how are you going to conclude your words and sum up your words and how you are going to close your topic. कैसे आप अपने topic को close कर रहे हैं, इसमें आप यहाँ पे close कर देंगे. फिर suggestions में क्या होता है, suggestions हो सकती है, recommendations हो सकती है. suggestions में या recommendations में आप क्या करते हैं, whatever you feel, how can it make better, कैसे इसको बेटर बनाया जा सकता है, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह इसको रोका जा सकता है, whatever, it depends upon the topic. टॉपिक के लिहाज से डिपेंड करता है, इंट्रोडक्शन भी और आपका सजेशंस भी टॉपिक के लिहाज से. Sometimes happens that some reports they do not require suggestions, so there no need to write the suggestions. But mostly 90% reports require the suggestions. You must write suggestions, and you are going to make a sequence of the paragraph, aligning of the paragraph. Okay, and then when it is finished, so you will going to write here the word signature and comma, then put XYZ or put your signature.
Sometimes when you put a signature upper of this word signature or in front of this word, X, Y, Z do not write at the end in the below. Okay, you write in front of X, Y, Z. Sometimes it's happened the some student write in the blue, but it's the best way to write in front of. Otherwise, you will have to put your signature over there. Suppose if you don't write X, Y, Z, you don't write X, Y, Z. So what will you do? You will have to write, you will have to sign. Whatever your sign, suppose your sign like this. So you put your sign over here. Aap na sign kar de yahan par. Whatever, but these are supposition, not real signature over here, because you are going to write in your examination paper. So look at here the sequence again and try to understand. Look at the format carefully and keep in your mind. It means para 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can say, sir, there are the 6 paragraph. My dear, you can just conclude within 4-5 paragraph as well, but all the important point and the information must be included over there. There's no need to go in much details. Koi zarurat nahi itni detail mein. Actually, report to the point honi chahiye. To the point honi chahiye. Kajin points honi chahiye. Daleel ke saath honi chahiye. Clear cut baat honi chahiye. Koi ambiguities nahi honi chahiye usme. Then you can gain good marks. And report writing mein isme jo hum likhte hain, isko directly we start kar sakte hain. Means it is to inform you that I am the this is suppose your post. I am the secretary of Railway Workers Union ABC. Have been noticed that for a long time, for 2 or 3 days. Don't write longer time. It is ambiguity. Ab aap jise kehte hain ki bhai kafi arse se main is baat ko note kar raha hu for a long time. अब ये देखिए ambiguities है, for a long time, how much time, कितना वक्त हो गया आपका, आपके 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 3 महीने से, क्या सा हो रहा है, date mention करें, place mention करें, accurate date, accurate place mention करें, कि इस जगह पर ऐसा ऐसा हो रहा है, इसमें ambiguities की requirement नहीं होती, do you understand the ambiguities, ambiguities may or may not be, whether or not, जिसमें clear ना हो concepts है, ambiguities कहा जाता है, so beta, please try to understand, clear cut, each and every information should be clear and concise, okay? Clear bhi ho, concise bhi ho, or coherence bhi ho, coherent bhi ho, ye sari cheezein honi chahiye, aur paragraphing bhi honi chahiye. Aisa na ho ke aap sari report do hi paragraph mein likh dein, at least 5 paragraphs honi chahiye. Inshallah you will gain good marks. Keep in your mind, or please make practice again and again, again and again, because every para, every information will change according to the topic. Topic ke liye se change hogi. Subject jab bhi likhe, ise underline zarur kijiye. I think so. You understand what is the format of report writing. If you follow it, inshallah, you will gain good marks. My dear, my motive, my aim, and my purpose. To just give you these type of information only to increase your knowledge and clear your vision according to the board and as well as in your practical life. Aapki practical life mein bhi ye ho istemal, so that you will be able and confident to write a report anywhere, jahan bhi aap jaye. आप उसे कॉन्फिडेंट के साथ लिख सकें, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड योर नॉलेज एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड विद यू ऑलवेज गिव इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज. आबाद रहिए. शाबाश.